नमस्कार, मैं सुदर्शन सुखानी हूं और आज 11 अप्रैल 2022 सोमवार है। हम हर रोज की तरह आज भी कल निफ्टी का क्या रुख हो सकता है और अगले कुछ दिनों में कोई रुख बनता है क्या, इन दोनों विषयों पर बात करेंगे। आज मैं केवल चार्ट बता रहा हूं क्योंकि आज जो बात बताने की है वो चार्ट से ही समझ में आ जाएगी। सो लाइव वीडियो नहीं है, सिर्फ चार्ट की समझ है। अब स्क्रीन पर आपको दो चार्ट दिख रहे हैं, ये दोनों ही निफ्टी के एंड ऑफ डे चार्ट है, डेली चार्ट है। दो चार्ट इसलिए है क्योंकि नीचे वाले, जहां अब मेरा माउस चल रहा है, नीचे वाले चार्ट में एक ब्लू लाइन है, ये लो लैग मूविंग एवरेज है, और ऊपर वाले चार्ट में जो है ये मॉडिफाइड RSI है, समझिए अडेप्टिव RSI जो मेरी बनाई हुई है, और ये दोनों अपर एंड लोअर बैंड्स के बीच में चलती है या इनके ऊपर चलती है। तो इन दोनों इंडिकेटर्स को साफ साफ देखने के लिए मैं दो चार्ट रखता हूँ, कोई आवश्यक नहीं है, अगर आप चाहे तो इसको एक में भी देख सकते थे। अब हुआ क्या कि कल ये लो लैग इंडिकेटर नीचे आने के बाद कल ऊपर की तरफ घुमा था, तब तक यहाँ पर आप देखिए RSI बिल्कुल ऊपर चल रही थी, यहाँ से ऊपर चलनी शुरू हुई तो लगभग एक महीने तक ऊपर ही रही, तो हमारे पास फिर वाइट कैंडल बना था, तो हमारे पास एक हल्का सा रुख था कि शायद आज तेजी हो सकती है। लेकिन वो रुख या हमारी समझ बिल्कुल गलत साबित हुई क्योंकि दिन भर बाजार मंदी में रहा और उसमें बिकवाली का ही प्रेशर था। दोपहर में हाँ एक बार जरूर एक तेजी आई थी हल्की, अब ऐसा लगता है कि वो एक चेष्टा था ऊपर ले जाने का, लेकिन वो नाकाम रहा क्योंकि बिकवाली ज़्यादा थी, बेचने वाले ज़्यादा थे, और वो इंट्राडे एक रैली करीब 100 पॉइंट की थी, उसको पकड़ना मुश्किल था। क्यों, यद्यपि हम ये सोच रहे थे कि खरीदार है, क्योंकि जब तक हम खरीदे उसके बाद जब ये समझ में आए कि ये बात नहीं बन रही है, निकले तो बिल्कुल ब्रेक इवन पर निकलना पड़ा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कुल मिलाकर आज तेजी नहीं हुई। और अब क्या हुआ, आज ये देखिए नैरो रेंज डे था। नैरो रेंज का मतलब है कई दिनों में सबसे संकीर्ण दायरा था प्राइस का, ओपन हाई और हाई और लो के बीच का, ये आपको दिख रहा है एकदम नैरो रेंज डे। ऊपर के चार्ट पर दिखिएगा नैरो रेंज डे यहाँ भी बना था, ये देखिए ये दो नैरो रेंज डे थे, दोनों नैरो रेंज डे के बाद में बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ, खूब अच्छे पॉइंट्स मिले। अब आज क्या होगा, यानी आज के नैरो रेंज का क्या आउटकम होने वाला है? मुझे लगता है कि ये जब नैरो रेंज बने थे बाजार तेजी से ऊपर आ रहा था, ऊपर आने के बाद हम नैरो रेंज में गए, अब ऐसा लग रहा है कि बाजार नीचे आने के बाद साइडवेज हो गया है। अब ये पहली बार तो सोचना स्वाभाविक था कि साइडवेज मार्केट है, ये डिप खत्म हो जाएगा तो ऊपर जाएगा, पर आज के प्राइस एक्शन को देखकर अब कोई समझ नहीं है। मुझे ये समझ में आ रहा है कि 17,600 के नीचे अगर हम जाएंगे तो शायद वो नैरो रेंज में नीचे की तरफ ब्रेक हो जाए और कोई ना कोई पुट्स खरीदना या हल्की मंदी का कोई आसार मिलेगा, और 17,800 के ऊपर वही बात रहेगी कि कोई खरीदारी के माहौल बनेगा। ये दो बाउंड्रीज हैं 17,600 और 17,800, इसके बीच में बाजार में कोई रुख मिलना नहीं है। 17,600 के नीचे भी बड़ा गैप डाउन हो गया तो फंस जाएंगे, लेकिन अगर आसपास ही रहा तो यहाँ शायद कल बिकवाली बनेगी। एक बात आप ध्यान में रखिए, जब हमारे व्यूज़ बदलने लगते हैं, आज खरीदो आज बेचो, तो समझ लीजिए कि मार्केट समझ में आ नहीं रहा है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ फिर से, मेरे ये समझ में आ नहीं रहा है कि बाजार क्या करेगा, और मैं बहुत कम ट्रेड करता हूँ जब बाजार का रुख समझ में नहीं आता है, तो वो ठीक भी है, ज़बरदस्ती मगरमच्छ के सिर में और मुँह में सिर रखने की क्या ज़रूरत है। चलिए, आशा है आपको ये वीडियोज़ पसंद आते होंगे, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा, और फिर कल मिलेंगे। जय हिंद।